26 अप्रैल रतलाम में चल रही शिव महाप्राण कथा के चौथे दिन आखिर क्यों गुरुजी ने कहा ये मौका फिर नहीं आएगा और किस उपाय को गुरुजी ने घर के प्रत्येक सदस्य को करने को कहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, यह उपाय घर में संपदा नहीं हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई मनोकामना हो, नौकरी या व्यवसाय में सफलता चाहते हो या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने आग्रह किया है कि यह उपाय को घर के प्रत्येक सदस्य को करना है और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उपाय आपको 29 अप्रैल को करना है, मतलब वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन करना है। आपको बेलपत्र को जल में डालकर निकाल लेना है और इस जल को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। रोग या किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो शिवलिंग में जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से आ रहे जल को थोड़ा सा प्राप्त करके उसका आचमन करना है और अगर अन्य किसी कारण से जल अर्पित किया है तो पूरा जल अर्पित करना है। चाहे आपने किसी मनोकामना के लिए किया हो तो पूरा जल अर्पित कर दें, उसको प्राप्त ना करें। वैशाख शिवरात्रि में इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने का बहुत अधिक महत्व है।